नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, नाथ जी को अलग आदेश, नाथ जी वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। एक 7 दिन की साधना है जिसमें आप माँ भगवती लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हो। मतलब अगर बहुत कठिन डगर से गुजर रहे हो तो माँ भगवती लक्ष्मी की अष्टमातृका साधना करनी चाहिए। अष्टमातृका 8 भगवती जब एक साथ एक स्वरूप में आती है, और ये स्वरूप जो है भगवती का, ये तब का होता है जब ये अष्टमूर्ति के साथ सोपती हैं भैरव के, जैसे अस्तांग भैरव के साथ ब्रह्मानी सोपती है, रूरू भैरव के साथ महेश्वरी सोभती है, चंड भैरव के साथ कम्मारी सोभती है, क्रोध भैरव के साथ वैष्णवी सोभती है, फिर वैष्णवी सोभती है, फिर उन्वत भैरव के साथ वाराही सोभती है, कपाल भैरव के साथ इंद्राणी सोभती है, चामुंडा और भीषण भैरव। उसके बाद आती है महालक्ष्मी और संहार भैरव। ठीक है, तो महालक्ष्मी की जब हम साधना करते हैं तो फिर अनंत धन की प्राप्ति होती है, अनंत वैभव की प्राप्ति होती है, और बहुत ही इनका साधना करना आसान है। कैसे करनी है इनकी साधना? एक मिट्टी का घट लेंगे, ठीक है, उसको एक चौकी पर स्थापित करेंगे लाल कपड़े के ऊपर। ठीक है, लाल कपड़े पर सिंदूर से श्रीम लिखेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा चावल रखेंगे, और चावल के ऊपर उस कलश को स्थापित कर देंगे। कलश पर 5 गाय के गोबर के टीके लगाने हैं, ठीक है, और उसके ऊपर फिर सिंदूर का टीका लगेगा। फिर जल भरिए, उसमें एक पुष्प डालिए, दूब डालिए, दूब घास जो होता है वो दूब डालिए, पान डालिए, सुपारी डालिए, एक सिक्का डालिए, आम का पल्लव डालिए, उसको ढक्कन से बंद करके उसके ऊपर एक नारियल डालिए जो कि ब्लू नीले कलर के कपड़े में लपेटा हुआ हो। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा गाय का गोबर लेकर के उस चौकी के नीचे अपने राइट हैंड के रिंग फिंगर से पानी दे करके हल्का सा वहाँ पर सफाई करनी है गोबर से, ऐसे लगे कि जैसे कि पुराने ज़माने में गांव में आप मिट्टी के घर को साफ करते थे, वैसे ही वैसा साफ कर लेंगे। और उसके बाद फिर पूजा शुरू करेंगे, अक्षत लेकर के एक स्थान पर लिखेंगे, हे देवी महालक्ष्मी यहाँ आओ, यहाँ पर मेरी पूजा स्वीकार करो। इसको संस्कृत में बोलने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दूसरे तरफ फिर थोड़ा लौंग लेंगे और रखेंगे, मतलब देखो वामे रमा रमन कुशला, मतलब भैरव की स्थापना जहाँ होगी, भैरव के बाएं, मतलब आपके दाहिने हाथ में लक्ष्मी होगी और आपके बाएं हाथ पर भैरव होंगे। तो लौंग रखेंगे कि हे भैरव देवता, हे संहार भैरव, यहाँ आओ, यहाँ स्थापित हो और मेरे पूजा को आप स्वीकारो। इतना करने के बाद देखो एक चीज ध्यान रखना, जब भी 7 दिन आप पूजा करेंगे इसकी, तो जो आप संकल्प करेंगे, तो संकल्प में आपको ये करना है कि हे माता लक्ष्मी, हे भैरव, मेरा अमुक नाम है, मेरा ये गोत्र है, और मैं आपका आवाहन कर रहा हूँ, मेरे कष्टों को हरो, आप मैं जैसे पूजा शुरू करता हूँ यहाँ उपस्थित हो, और जब तक मैं पूजा और जाप करूँ तब तक आप यहाँ पर विराजो। मतलब कहने का ये है कि रोज के पूजा के बाद आपका इस पूजा का विसर्जन हो जाएगा, और दूसरे दिन फिर से आप पूजा शुरू करेंगे। तो कलश बैठा लिया आप लोगों ने, कलश बैठाने के बाद धूप दीजिए, नवेद्य दीजिए, उसका दीपक जलाइए घी का दाहिने तरफ भगवती के, ठीक है, और उसके बाद पहले एक माला संहार भैरव के मंत्र का करेंगे। क्या है मंत्र उनका? ओम हुम हुम सम संहार भैरवाय ब्रह्म ब्रह्म हुम हुम फट स्वाहा। ओम हुम हुम सम संहार भैरवाय ब्रह्म ब्रह्म हुम हुम फट स्वाहा। इतना करने के बाद भगवती के मंत्र का जाप करेंगे। पहले भगवती का नमस्कार मंत्र 11 बार करेंगे, ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। उसके बाद 5 माला मूल मंत्र का जाप करेंगे, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं सः महालक्ष्मी प्रसीद प्रसीद श्रीम ठह 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 स्वाहा। फिर से सुनिए, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम
एम सहो महालक्ष्मी प्रसीदः प्रसीदः श्रीम ठह 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 स्वाहा। इसको 7 दिन करने के बाद 7वें दिन मधु से हवन करेंगे भगवती का इसी मंत्र से। और भैरव जी का जब आप हवन करेंगे तो उसको आपको करना है लौंग और गूगल को मिला करके। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188585। इसमें अघोर में आने के लिए जो प्रथम सीढ़ी है वो आसन बंधन दिशा बंधन ये सब सिखाते हैं हम। 3 महीने की साधना है, टिक गए तो आगे की साधना। अपॉइंटमेंट लेने के लिए www.aghortantrahasya.xyz या www.aghortantrahasya.com पर चले जाइए। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें rudranath@cm4 मेरा प्रोफाइल है। अगर बहुत अर्जेंट हो तो व्हाट्सअप नंबर है 9431188585। माँ भगवती महालक्ष्मी आप सभी पे कृपा करें, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अल्लाह आदेश।